आज ये पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट में लिमी में हेडक्वार्टर में हमारा यहाँ एक सुभाष उनका दोनों फैमिली ये एक ईगल छोटा से पकड़ के रखा हुआ है। तो मैं हमेशा यहाँ में दौरा करता हूँ, कभी दिखता हूँ कि ईगल को दिख के इसका उसको देख रेख में और इसका आज़ादी के लिए, क्योंकि ये ईगल जो है बहुत ही आजकल का समय दिन में बहुत ही कम दिखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैंने मेरा जितना भी बायोलॉजिकल पार्क का हमारा रायन फ्यागो आया हुआ है RFO और उनका पूरा डॉक्टर हमारा डॉक्टर साहब भी आया हुआ है, तो सारा लोग को मैंने लेकर आया कि ताकि उसको रेस्क्यू करके अपना जो ईटानगर बायोलॉजिकल पार्क में इसको अच्छा से रखे और अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देख रेख में इसको अच्छा से रखे और इसके लिए जो भी डॉक्टर का जो जरूरी है बीमार में भी अपना डॉक्टर को भी लेके आया, सारा डिपार्टमेंट की ओर से हम उसको देख रेख करेंगे। इसलिए इस ईगल को हम लोग अभी हमारा डिपार्टमेंट का गाड़ी भी आया और यहाँ का होटल मालिक को मैंने बोला कि आप इसको यहाँ रखना नहीं है, इसको बायोलॉजिकल पार्क में देना है या तो उसको हम लोग जाकर हम लोग उसको कहीं जंगल में हम लोग छोड़ेंगे। तो इस टाइप का इसलिए सब सभी लोग आया और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा बात को माना ये होटल वालों ने, सुभाष ने, मैं उन पूरा टीम परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर जैसे कि सर ने पहले मेंशन किया कि यहाँ पे खुद के लोकल के लोग ने ही कई बार कोशिश किया कि उनके जो ईगल के पार्ट्स को मांगा और लाइक लोकल पूजा एंड कुछ कुछ डिमांड रखा, तो कहते अपना ही लोकल सर उनको बार बार लेने को खरीदने के लिए भी कोशिश किया बोला सर, तो आप क्या कहेंगे अपने ही यहाँ के जो लोगों को? ना हमारा लोगों को अभी तो देखिए अभी तक अवेयर नहीं है, हमारा लोग जो अपना फॉरेस्ट का जो वाइल्ड लाइफ का वैल्यू को अभी तक हमारा लोग समझा नहीं है। तो ईगल में और बहुत सा ऐसा स्पीशीज है जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, वो दूसरा प्रदेश में नहीं है, ताकि दुनिया में भी नहीं है, जो वर्ल्ड में नहीं है, जो अपना प्रदेश में है। इस चीज़ को एंड हम लोग कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन वो करने का और उसका वैल्यू को हमारा लोग समझना धीरे धीरे समझ रहा है। इसलिए हम लोगों ने एक गन सरेंडर एयर गन सरेंडर भी डिपार्टमेंट से हम लोगों ने शुरू किया, सरकार ने ये शुरू किया कि ताकि लोगों को समझे कि हमारा प्रदेश में इतना स्पीशीज है जो इनडेंजर स्पीशीज है, इसको प्रिजर्व करना कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, तो उस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना सुंदर आपका कैमरा यहां घुमाइए, इतना सुंदर ईगल दिखिए, उसको यहां पिंजरा में कैद करके रखा हुआ है, इसको वहाँ अपना वहाँ में बायोलॉजिकल पार्क में उसको आज़ादी के साथ वहाँ में जीने देंगे। ना मैं यही है कि लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो जो हंटिंग तो टोटली नहीं करना है, हमारा साथ यहाँ में यहाँ का PI साहब यहाँ बैठा हुआ है, मुझे भी बोलने दो। हाँ, तो हंटिंग तो टोटली बैन करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से और सारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का ओर से भी पूरा सरकार की ओर से हम लोग अवेयरनेस दे रहा है कि हंटिंग बिल्कुल नहीं करना और अपना पशु पक्षी को अपना जो भी वाइल्ड लाइफ को हम लोग उसको ख्याल करना है, उसको मानना है, नेचर का साथ जी के आया। हाँ, तो उसको हम लोग बचाना, हम लोग नहीं बचाएगा तो दूसरा कौन बचाएगा? तो इसलिए आज भी वो ईगल को देखो, इतना सुंदर ईगल इसको या में रखा हुआ है, तो इसको हम बढ़िया सा हमारा डॉक्टर का निगरानी में, हमारा RFO का बायोलॉजिकल पार्क का दारिद्र का निगरानी में वहाँ में अच्छा से उसको हम लोग वहाँ में पालन पोषण करेंगे। और इसके लिए भी लोग अभी आप लोग को मैं पूछता हूँ कि आप लोग ने चलते चलते कहीं ईगल दिखा है? अभी दिखने को नहीं मिल रहा है, देखिए वो हम वी आर वेरी लकी और हमारा सुभाष ने अच्छा से उसको रखा है यहाँ में, तो इसको हम लोग जू में रखेंगे ताकि सारा प्रदेश और विदेश का लोग आकर देखे। सर लास्टली एज वी हैव टोल्ड कि प्रिजर्विंग एंड प्रिजर्विंग द एंडेंजर्ड स्पीशीज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, देयर इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्शन ऑन जू बायोटिकल, जो भी जू होता है ईटानगर के जू के लोग लाइक पब्लिक डे से कि वहाँ पे जो रखा जाता है एनिमल्स को वहाँ पे अच्छे से फीड नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्शन एंड पीपल जो है अगर ऐसा पकड़ता भी है तो दे फियर कि वहाँ देने के बाद हमारा जो कुछ भी एनिमल्स है वो अच्छा से नहीं रखता है, तो सर व्हाट इज योर एश्योरेंस? देखिए पीपल ने जो आप एनिमल देने के बाद अच्छा से नहीं रखता है वो तो उनको बुलाइए, आप लेके चलिए मेरा साथ वहाँ, हमारा फीट कैसे देता है वहाँ, हमारा बायोलॉजिकल पार्क में कैसा उसको देख रेख करता है, मैं उनको दिखाऊंगा। आप कभी बायोलॉजिकल पार्क वो गया ही नहीं है, बदनाम करने से थोड़ी होगा, उनको बुलाइए मेरे साथ चले, आप लोग के साथ चले। हाँ,
वो जू ये गलत बात है, वो जितना भी रेस्क्यू किया अच्छा से रखा हुआ है, और मैं अभी तक तो 3-4 बियर जो हम लोगों ने रेस्क्यू किया है हाँ वो भी अच्छा से रखा हुआ है। उसके बाद जो एक दो तू सपा में लास्ट टाइम 17 मार्च 2020 वाइल्ड डॉग्स दो तू रेस्क्यू किया, इतना अच्छा से वहाँ जू में बैठा हुआ है, वो हमने देखा है जो वो सारा जो वो जूट है। हाँ ये ईगल जो ऐसा है मतलब ये बचपन से इसको पकड़ा है किसी ने, मतलब इसका माँ को शायद कोई शिकारी ने मार दिया होगा, तो अचानक ये भूख से तड़प कर गाची से गिर गया। गाची से गिरने के बाद में नीचे कोई इंसान ने शिकारी होगा, शिकारी ने मिला होगा, तो फिर शिकारी मिलने के बाद में उसको पाला है कुछ दिन, पालने के बाद में उसको तकलीफ हुआ। हमेशा मीट मछली का उसका भोजन ही मीट मछली है, तो मीट मछली खिला नहीं सकने का कारण से उन लोग निशी का ये मतलब एक कीमती वाला चीज़ जैसा लगता है, कोई माथा मांग रहा है, कोई हाथ मांग रहा है, कोई पैर मांग रहा है, तो हमने सोचा ही नहीं इसका जान बचाने से ठीक रहेगा, तो हमने सोचा इसको मांगा, तो मांगने के बाद में बोला है नहीं इसको हम लोग इसको भाग करेगा, बोला है नहीं भाग कर मत कीजिए, भाग करने से क्या करेगा, इतना छोटा एक पक्षी को मार के आप लोग क्या करेगा, तो उन लोग बोला है नहीं हम लोग का यह पुजारी लोग का बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं हम बोला हम आपका मुँह मांगे दाम देगा बोला है, तो हम कुछ पैसा दे के उससे हम ले के आया वापस, तो पालाया अभी। तो हम सभी को जितना भी शिकारी है मेरा भाई साथी भाई जो भी जंगल जाते हैं, इस तरीका से पशु पक्षी को नहीं मारने से ठीक रहेगा। और सबसे धन्यवाद तुम्हें मामा नातुंग सर को देना चाहता हूँ, उन्होंने जैसे कि एक छोटा पक्षी के लिए भी बहुत सा काम किया, आगे बढ़ के गाड़ी उड़ी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट फॉरेस्ट लगा के चिड़ियाखाना से लेके आया, तो हमने जितना भी पाला उसको में कोई भी मतलब दुख नहीं है, जैसे कि हमसे भी अच्छा पाले इसको, और पाल के अच्छा से चिड़ियाखाना में तो हर कई लोग आते हैं देखने के लिए, जनजात के लोग आते हैं देखने के लिए, तो ऐसा और कोई मेरा निशी दोस्त लोग भी जो भी पशु पक्षी जंतु जीव जंतु मिले तो चिड़ियाखाना में देने से ठीक रहेगा। थैंक यू। जैसे कि अभी आप बहुत इमोशनली अटैच भी हो गए हो उससे पक्षी से, राइट? आप उसको पाला है, आपने अपने बच्चे जैसा उसको देखभाल किया, तो अभी वो फिलहाल यहाँ से मूव ऑन करने वाले हैं आपके घर से। आपने जैसे बताया कि आपने फॉरेस्ट को हैंडओवर करने वाले हो, तो सर जैसे कि बहुत इमोशनली अटैच है, तो आप क्या क्या लाइक एवरी वीकेंड आप मिलने जाओगे, या फिर क्या क्या आप यू नो प्रिकॉशंस लेंगे कि आपको कितना तक एश्योरेंस है कि वहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो अच्छा से देखभाल करेगा? हाँ, मैंने इससे पहले एक भालचार दिया था बहुत बड़ा सा, वो भालचार भी अभी तक पूछताछ करता हूँ, और कभी कभी मैं मिलने जाता हूँ, तो भालचार को अच्छा से रखा है, मुझे पूरा उम्मीद है विश्वास है और इसको भी अच्छा से ही रखेगा बोल के, और भी मिलने से मैं जू को ही दे दूंगा जो भी। तो आपने बोला कि छोटा से देखा है, पाया मिला है, रेस्क्यू किया है, तो एग्जैक्टली बताइएगा कि लगभग कितना महीना पहला एंड देन कौन सा जंगल से आपने कैसे करके इसको मिला था वो? जी ये रेलू का टॉप से वो जंगल से किसी ने मिला था, तो उसने पाला है, पाल के नहीं सकने का कारण ही मुझे दिया है, तो ये हमने लिया 6 महीना, उसने पाला करीबन 3 महीना, करीबन ये 9 महीना का हो चुका है, ऐसे उड़ने के लिए जानता है लेकिन उड़ के वो अपना से ढूंढ ढांड के खाने के लिए इतना नहीं जानता है, इसी का भरोसा में हम बहुत चीज़ मतलब कबूतर का बच्चा, चूहा, स्नेक ये सबको देते हैं, माछी मुर्गी ये सबको देता हूँ, तो चिड़ियाखाना में भी अगर अच्छा से देखभाल करेगा बोल के मुझे तो पूरा विश्वास है। तो सर यहाँ पे आपने एक नाम तो रखा होगा, ऐसा पेट आपने पाला है, तो उसका नाम क्या है? चू चू। अच्छा, तो अभी चू यहाँ से डिपार्टमेंट की ओर जाएंगे, तो आप उसको मतलब और पब्लिक लोग को आप क्या क्या मैसेज देना चाहोगे जो ऐसा यू नो ऐसे अगर मिल जाता है तो क्या करना चाहिए, आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं पब्लिक लोग को ये कहना चाहूँगा, इसका नाम जैसे कि चू बोलने से वो भी चू करके चिल्लाता है, चू चू करके हम बुलाते हैं तो वो चू करके आते हैं, पास में भी आता है अगर जी, उसका नाम ही हमने इसलिए चू रख दिया। तो कुछ मैसेज जो अगर आप डिपार्टमेंट को भी? हाँ, डिपार्टमेंट को तो यही कहना चाहूँगा, डिपार्टमेंट अच्छा से पाले और कहीं दूसरा जगह से मिले तो भी इसी प्रकार से लेके आए, अच्छा से देखभाल करे, जनजाति लोग देखने आते हैं जू में, उनको देखने में अच्छा लगे हर किसी को, ऐसा हर चीज़ जीव जंतु रहने से ठीक रहेगा।